संस्थान है इंजन निर्माण का, जो कि तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या धाम जंक्शन जहां से सीधी तस्वीरें हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी इसका जायजा लिया था कि जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो किसी भी रूप में कोई चूक ना होने पाए। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री खुद अब सब कुछ देख लेना चाह रहे हैं कि जब यहां पर लोग पहुंचेंगे, चूंकि फ्लाइट बहुत ज्यादा महंगी हो सकती है कुछ लोगों के लिए और बस से बहुत समय लगता है, इसीलिए जो एक विकल्प होता है ट्रैवल करने का, किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का, वो सबसे सरल ट्रेन माना जाता है। अब ट्रेन का सफर कैसे आसान भी हो और जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट वाला भी यहां पर फील दिया जाए, ये भी कोशिश की गई है। और उस तस्वीर को देखने के बाद कई बार ये भी माना गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम जिसे नाम दिया गया है उसका लोकार्पण कर दिया गया है, लोगों को समर्पित कर दिया गया है। ये रेलवे स्टेशन इस वजह से खास है क्योंकि ये एक रीडेवलप प्रोजेक्ट जो तमाम रेलवे स्टेशन के चल रहे हैं उनमें से फेज वन इस अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का पूरा हो चुका है और इसके बाद बारी आएगी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की जिसके बाहर इस वक्त हम मौजूद है। ऐसी दो ट्रेन, एक जो दिल्ली से दरभंगा, दूसरी जो मालदा से बंगलुरु चलेगी, ये दो अमृत भारत ट्रेन जो पहली अमृत भारत ट्रेनें हैं उनको भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी स्टेशन से थोड़ी ही देर में दिखाएंगे। ये ट्रेनें पूरी सचकर तैयार है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन उनको भी यहां पर हरी झंडी दिखाई जाएगी। देखिए, जब हम इस रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं तो टू टियर सिटी में अयोध्या आती है और ऐसे में अयोध्या का ये जो रेलवे स्टेशन है इसको बिल्कुल मॉडर्नाइज्ड लुक दिया गया है। जैसे कि हमने लगातार बता रहे हैं कि जिस तरीके से जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं जैसा लुक लाइक आपको वहां नजर आता है वैसे ही अयोध्या के इस नए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे आपको नजर आ रहा है। तमाम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं रेलवे स्टेशन से जुड़ी, कितना प्रोजेक्ट है इसके आगे और क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन फेज टू में भी जाएगा यानी कि अभी और ज्यादा डेवलप होगा। फिलहाल अयोध्या धाम में केवल 3 रेलवे ट्रैक्स हैं जिनको अगले फेज में 4 और बढ़ाने की बात की जा रही है, तो वो सब कुछ फेज टू में होगा। लेकिन अयोध्या धाम जंक्शन का ये नया नाम, नया लुक, उसको प्रधानमंत्री ने लोगों को फिलहाल समर्पित कर दिया है। अब प्रधानमंत्री यहां पर जो मेजर प्रोजेक्ट है जो हम बता रहे हैं कि केवल रेल से जुड़े ही तमाम 2300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स है जिनको आज हरी झंडी यहां से दिखाने वाले हैं, तो ये अमृत भारत ट्रेन जिसके बाहर इस वक्त हम मौजूद है। देखिए, अमृत भारत ट्रेन जो है वंदे भारत का ही अगर हम कहें आम लोगों का वर्जन है, उसका स्लीपर वर्जन है तो कहना गलत नहीं होगा। वंदे भारत जो कि पूरी तरीके से भारत में निर्मित है, वैसे ही अमृत भारत की जो ट्रेन है ये भी पूरी तरीके से भारत में निर्मित है। ये स्लीपर क्लास बिल्कुल आम लोगों के लिए बनाई गई है, नॉन एसी ट्रेन है, इसमें जनरल बोगी है, इसमें स्लीपर क्लास है। वो तमाम आम लोग जो बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं उनके लिए ही इस ट्रेन को बनाया गया है जिसमें फेयर नॉमिनल रहेंगे यानी बाकी ट्रेनों की तरह रहेंगे। वंदे भारत का की तरह इसके रेट जो है, इसके जो फेयर है वो ज्यादा नहीं रहेंगे, बिल्कुल आम लोगों की पॉकेट में रहे। ये अमृत भारत को भी यहां पर लॉन्च किया जाने वाला है और अमृत भारत के साथ साथ, क्योंकि वंदे भारत में हमने देखा कि किस तरीके से अब जो ट्रेनों को बनाने का स्टाइल है वो भी बदल रहा है, तो वो एक पुश पुल टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है यानी कि ट्रेन की दोनों तरफ लोको हो रहा। लोको होने से मामला बस इतना है कि अगर मान लीजिए आपको रिवर्स लेना है तो अब आपके पीछे, आपकी ट्रेन के पीछे भी लोको रहेगा यानी कि आपको अब गाड़ी को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं पर अपना लोको पायलट बिठा सकते हैं और गाड़ी को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है वो वंदे भारत ट्रेन में है और उसके बाद ये अमृत भारत ट्रेन जो नजर आ रही है, जो हम बता रहे हैं जिनके फेयर कम होने वाले हैं, जो बिल्कुल आम लोगों के लिए बनाई गई, ये टेक्नोलॉजी उसमें भी है। LHB कोचेस हैं यानी कि जर्क नहीं लगेंगे, झटके नहीं लगेंगे लंबी यात्रा में। और जो रूट फिलहाल दो ट्रेनों के आज जहां से हरी झंडी दिखाई जानी है वो दिल्ली से दरभंगा है, मालदा से बेंगलुरु है। यहां पर 2 अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेन को भी आज इसी जगह से हरी झंडी दिखाई जानी है। प्रधानमंत्री के लिए ये बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस धार्मिक स्थल या जिस धाम की तरफ जहां उनको उनका उसके लिए वो सोचना शुरू करते हैं तो उसका कायाकल्प होते ही हमने देखा है। वो चाहे आप महाकाल की बात कीजिए, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कीजिए या आप केदारनाथ धाम की बात कीजिए, और अब अयोध्या में भी इसकी शुरुआत हो गई है यानी कि आज ये तैयारियों को लेकर आप प्रधानमंत्री का जो दौरा है इसे पहला और आखिरी ना माने। इसके बाद 22 जनवरी और उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री यहां पर आते रहेंगे, क्योंकि जब एक बार प्रधानमंत्री
किसी धार्मिक स्थल को बेहतर करने के लिए लोगों की सुगमता को बढ़ाने का प्रण ले लेते हैं, तो हमने देखा है कि जब तक वो पूरी तरीके से रीडेवलप नहीं हो जाता तब तक प्रधानमंत्री लगातार उस पर नजर रखते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन पर और तमाम तैयारियों का फिलहाल जायजा लेते हुए भी तस्वीरों में दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें इस वक्त लगातार हम दिखा भी रहे हैं, प्रियंका भी हमारे साथ बनी हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जरूर इस बात की जानकारी दे रहे होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया, उद्घाटन कर दिया और उसके बाद आगे अभी बहुत सारा काम आगे आने वाले समय को लेकर भी है जो इसी तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव, दरअसल पूरे रेलवे स्टेशन का जो खाका है वो वहां पर रखा हुआ है और उसी को दिखाते हुए समझाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका लगातार वहीं पर मौजूद है। अमृत भारत ट्रेन जो अपने आप में बेहद खास है, वंदे भारत में क्या सुविधाएं हैं ये तो आप जानते हैं, अमृत भारत के बारे में लगातार आपको प्रियंका बता रही है। प्रियंका, क्या उम्मीद करें, कितनी देर में हरी झंडी दिखाई जानी है इस अमृत भारत ट्रेन को? देखिए, अश्विनी वैष्णव जो है वो जाहिर तौर पर फिलहाल उनको पूरा जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से पूरी तरीके से रीडेवलप्ड हो जाएगा अयोध्या धाम का ये जंक्शन, उसकी जानकारी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ ही जब हम अमृत भारत की बात कर रहे हैं या वंदे भारत ट्रेनों की बात कर रहे हैं, तो रेलवे की ये सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। वंदे भारत रेलवे मिनिस्ट्री का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है, तो जाहिर तौर पर उसके बारे में और जानकारी देते हुए अमृत भारत ट्रेन के बारे में भी रेल मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं। माना जा रहा है कि जैसे ही रेलवे स्टेशन को देखते हुए ये पूरी जानकारी लेने के बाद यहां पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और जैसे ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो जाहिर तौर पर इसी ट्रेन के साथ तैयारी की गई है। ये अमृत भारत ट्रेन है, इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन भी है जिसका इनॉग्रेशन, जिसको हरी झंडी यहां से दिखाई जानी है। खास बात यह है कि हमने देखा है कि इससे पहले वंदे भारत जो ट्रेन या इसके साथ भी जो वंदे भारत ट्रेन यहां पर हरी झंडी दिखाई जा रही है, तो वंदे भारत चेयर कार है और बहुत ज्यादा लंबे डिस्टेंसेस के लिए बनाई नहीं गई है, इसीलिए उसके फेयर को लेकर हमेशा बातचीत होती रहती है। लेकिन ये जो ट्रेन, जब हम बात कर रहे हैं कि आप टीयर टू सिटी में है, यानी कि आप एक छोटी जगह पर है कंपैरेटिवली मेट्रो सिटीज की तुलना में, एक छोटी जगह। बिल्कुल, ट्रेन के अंदर से जो तस्वीरें सामने आई है वो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए यहाँ पर बातचीत करते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और चूंकि ये पहला मौका है यानी कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जो रेलवे स्टेशन है उसका यहाँ से उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन जरूर जो बाकी जो वर्कर्स भी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है उनसे भी बातचीत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा हमने कई मरतबा पहले भी देखा है, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे चाहे वो मेट्रो का कभी उद्घाटन हो, जानकारी भी वो ले रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए अमृत भारत ट्रेन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं। इस ट्रेन में कुछ बच्चे भी सफर कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए कुछ लोग भी हैं जो खास तौर पर अयोध्या धाम के लिए आए हुए हैं, उनसे भी उनका इंटरेक्शन संभव है। लेकिन सबसे पहली बात कि अमृत भारत ट्रेन में क्या अलग है वो सब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। देखिए अमृत भारत ट्रेन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम लगातार बता रहे हैं कि अपनी इस रेंज की ये पहली ट्रेन है जिसको वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन भी कहा जा रहा है, यानी कि कंफर्ट और मॉडर्नाइजेशन और इंजन जो है, जिस तरीके दो लोको हम बता रहे हैं पुशपुल होते हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन होते हैं, उस तरीके की ये पहली स्लीपर क्लास की जो ट्रेन है इसको प्रधानमंत्री अंदर देख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी आए हैं, अलग अलग जगहों से कुछ मिथिला से लोग आए हुए हैं, कुछ नेपाल से लोग आए हैं, वो तमाम लोग हैं जो इस ट्रेन में है, जो कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री उनके साथ संवाद भी करें। प्रधानमंत्री की आदत हमने देखी है कि जब भी वो नई ट्रेनों के विमोचन में जाते हैं वो अंदर जरूर जाकर देखते हैं कि किस तरीके की सुविधा वहां पर है, वहां पर लोग उस ट्रेन को लेकर क्या कर रहे हैं, किस तरीके का क्या फीडबैक है। और यही तस्वीरें आप अमृत भारत ट्रेन की भी अभी फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है। देखिए अमृत भारत ट्रेन की जनरल और स्लीपर कोच दो ही तरीके के कोचेस इसमें है। जनरल बोगी यानी कि आप बैठकर अपना सफर तय करेंगे, स्लीपर कोच यानी कि आप लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप स्लीपर कोच लेंगे जिसमें आप आराम से सो भी पाए। उसमें कलर स्कीम से लेकर तमाम अलग अलग चीजें, थोड़ा मॉडर्नाइज इस ट्रेन को किया गया है जिसका फिलहाल मुआयना ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए डिस्प्ले सिस्टम को LED के साथ जोड़ा गया है।